अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से मेरी फ़ैमिली को ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। तो अभी रात के 3:30 हो रहे हैं, रात के या सुबह के जो भी। तो मैं जल्दी इसलिए उठा हूँ क्योंकि मैं फ़्रेश होता हूँ और आज इस हुलिये को थोड़ा बहुत चेंज करना है। एक महीने से बिल्कुल बियर्ड सेटिंग नहीं की है, खत छुन बानो मुदकियाँ, तो वो करना है। और दूसरा कि पापा के कमी शलवार और ख़ुद के कमी शलवार को आयरन करनी है, तो वो भी कर लेंगे। क्योंकि नमाज़ अभी एक तो फ़र्ज़ सुबह की फ़जर नमाज़ 5 बजे है और ईद नमाज़ 6 बजे, तो दोनों तैयारियां करनी है। तो अभी मैं जल्दी से फ़्रेश होता हूँ, उसके बाद आयरन करते हैं और उसके बाद हम नमाज़ के लिए रेडी होते हैं। तो अब जल्दी जल्दी से आयरन कर लेते हैं क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया। देखते देखते 4:40 हो गया, 5 बजे नमाज़ है तो जाना पड़ेगा जल्दी से, और फिर 6 बजे ईद नमाज़ भी है। तो फाइनली मैं तैयार हो गया हूँ। ये है आज का मेरा गेटअप, शायद आपको दिख रहा होगा। तो नमाज के बाद हम चेंज करेंगे, ईद नमाज के बाद हम चेंज करेंगे, दूसरा पहनेंगे। तो अभी हम चलते हैं नमाज के लिए क्योंकि लेट हो गया, 5 मिनट बचे हैं। तो अभी चलते हैं जल्दी से, फिर नमाज के बाद, ईद नमाज के बाद आपसे बात करेंगे क्योंकि वहीं से अब हम ईद नमाज भी पढ़ेंगे। 1 घंटा वेट करना है तो वहीं से कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ईद नमाज हो गई है। अब पहली चाय आज सुबह की, और चाय नहीं एक्चुअली मम्मा ने आज बनाया है। ये क्या है मम्मा? दूध। हाँ, दूध दूध का हो कशिर पेट बनान छे। तो शुरुआत आज इसी से करेंगे, अल्लाह ताला हमें आगे भी माह रमज़ान नसीब करें। तो अभी कुछ है आपके लिए, आज पहली बार वीडियो पे, ईद मुबारक। तो आज पहली बार अबू जो है वीडियो पे आ गए और आज पहले ईद मुबारक खैर की बात बोली है। तो अभी पहले हम दत्त कशिर पेट दूध का हवा नशु सुचामो गुड़, और उसके बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बोलनी थी मैं बोलना भूल गया था, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन इस चीज़ के लिए हमेशा वेट करता है, और वो होती है ईदी। चाहे कितनी भी हो वो मैटर नहीं करता, 1 रुपये हो, कुछ भी हो, वो मैटर बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ईदी सुन्नत भी है। परसों आप मिले थे कश्मीरी बिल्ली से, आज आप मिलो पर्शियन बिल्ली से। लियो, लियो है ना इसका नाम? जी लियो। ये मेरे कजिन की बिल्ली है ये, और मैं इसे डरता हूँ थोड़ा। अभी मैं थोड़ा डरता हूँ इसे, ये बहुत छोटी थी तब, शायद 2 महीने की तब ये लाई थी। 40 days। 40 days हाँ। और अब माशाल्लाह देखो शेर जैसी हो गई है, शेर जैसा हो गया, बिल्ला है बिल्ला। लियो 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 मेरा ईद मुबारक। तो आपने सुन लिया, अस्सलाम वालेकुम मेरे तरफ से सबको ईद मुबारक। अभी मैं पूफी के घर में था, वो जो आप ये वाला मकान देख रहे हैं ये है पूफी का, और मेरा बस हमारा यहाँ से थोड़ा ही ऊपर है, ज्यादा दूरी पे नहीं है, तभी मैं यहाँ पे गया। ज्यादा दूर होता तो वहाँ नहीं जाता। तो अभी वापस घर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह लंच हो गया है, तो आज बहुत टाइम के बाद, एक्चुअली 1 महीने के बाद लंच किया, तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे चक्कर आने लग रहे हैं। और मसला ये है कि मैं रात भर सोया नहीं, अच्छे से सोया नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा मैं सोया और फिर से उठ गया मैं जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और मुझे नींद की बहुत सख्त ज़रूरत है। थोड़ी देर में सो जाता हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। इस टाइम नींद मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नमाज मैंने पढ़ ली है लंच से पहले ही, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, बहुत नींद है। अस्सलाम वालेकुम। जब मैंने बोला था कि मैं सोने जा रहा हूँ, मैं उसी टाइम चेंज करके सो गया और मैं अब जाके उठा, 4:30 हो रहे हैं और मैं ऐसा सोया हूँ कि क्या बोलूँ। अगर मैं नहीं सोता ना, अल्लाह बचाए, मैं बीमार हो जाता। तो इसलिए मैं उस टाइम मुझे ज़रूरी सोना पड़ा ताकि मैं फिर से फ्रेश फील कर सकूँ। और अब उठ गया हूँ तो अब मैं जाके कॉफ़ी बना लेता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत नींद अभी असर है, तो उसको ख़त्म करने के लिए पहले कॉफ़ी बनाते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद शायद थोड़ा सुकून मिल जाए। जब हम छोटे थे ना तो
ईद की अलग एक एक्साइटमेंट होती थी, वो मतलब कि कल ईद है या परसों ईद है, तो बंदा ना पहले से तैयार रहता था कि ईद आने वाली है, हम ये करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। इंसान थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर चीज़ें समझ आने लगती हैं, लेकिन वो बचपन जो है वो बहुत याद आता है। मतलब बचपन की ईद जो होती है ना वो बहुत ख़ास होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही वैल्यू है ईद का, वही एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन वो बचपन की एक्साइटमेंट जो होती है ना वो उसकी लेवल यहाँ होती है, बहुत ऊपर होती है। तो ये जगह जो जहाँ पे मैं व्लॉग आज कर रहा हूँ, ये मतलब मेरी फेवरेट जगह बन गई और यहाँ पे बहुत मज़ा आता व्लॉग करने को। और यहाँ पे असल में लाइटिंग सब कुछ ठीक आता, एंगल कैमरा का ठीक रहता, बैकग्राउंड ठीक रहता, तो मज़ा आ जाता यहाँ पे व्लॉग करने का। तो बहुत सारी बातें करनी थी आपके साथ, लेकिन व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता। मैं कोशिश करता हूँ 6 मिनट या 6 मिनट से कम व्लॉग्स बनाने की, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। उम्मीद है कि आपकी ईद जो है वो अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह ताला उन तमाम मज़लूम इंसानों को जुल्म से नजात दिलाए जो कि अभी जुल्म में गिरे हुए हैं, आमीन। तो अभी आज के व्लॉग को मुझे लगता है हमें यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं इसको एडिट करूँगा, इसको आज ही अपलोड करूँगा। ईद है और ईद मुबारक आप सब लोगों को करना बहुत ज़रूरी था, और वीडियो तो आज बनाना ही बनाना था। कोई आ गया तो अभी हम जाते हैं अंदर, शायद कोई मेहमान आ गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और पूरे दिल से आप सब लोगों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। खुश रहें, खुशहाल रहें, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। किसी भी रीज़न से आज का व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।